सो है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू ब्लॉग्स वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को कुछ बोलना चाहते हैं कि आज जो तारीख है वो है 9 तारीख और जो ये महीना है वो है जनवरी और न्यू ईयर का स्टार्ट हो चुका है और हम आप लोगों को न्यू ईयर का विश नहीं कर पाए, उसके लिए सॉरी। तो सबसे पहले मेरी तरफ से मधु ब्लॉग यूट्यूब फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, नया साल और इस साल मतलब ये साल आप लोगों का अच्छे से जाए। तो फिलहाल आज हम लोग जाने वाले हैं एक अच्छे से लोकेशन पे और आज हम लोग घूमने वाले हैं और आप लोगों को भी घुमाने वाले हैं और आप लोग से भी शेयर करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी जस्ट हम खड़े एक हाईवे में देख सकते हैं, पीछे हाईवे है, हम लोग जस्ट अभी हाईवे के सामने यहाँ से लगभग धनबाद जाने वाले हैं और यहाँ से हमारे बोकारो से धनबाद वही 30 किलोमीटर के आसपास है और धनबाद में एक अच्छा लोकेशन है, वो पिकनिक स्पॉट है, इतना आप लोगों को बता देते हैं। तो फिलहाल हम लोग आज वहीं जाने वाले हैं और आप लोगों को भी दिखाने वाले हैं। चलिए वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें और आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या कुछ हमारे साथ है। देख सकते हैं मामा भाई और वो भी भाई है और हम लोग को 2 बाइक है, मेरा एक स्प्लेंडर और एक नया बाइक लिया दोस्त धनतेरस में, वो है राइडर। तो चलिए अभी हम लोग चलेंगे और खूब सारा मस्ती करने वाले इस ब्लॉग में। तो क्या कोई नहीं होता है वो आपको वीडियो के आगे पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग जस्ट पहुंच चुके हैं, अभी जस्ट हम वहीं पे खड़े हैं अपने लोकेशन पे जहां पे आप लोगों को सरप्राइज़ बताए थे। सो फ्रेंड्स, आप लोग को बता दें कि वो सरप्राइज़ क्या था। तो फ्रेंड्स, हम लोग जस्ट आए हुए हैं धनबाद के भटिंडा वाटरफॉल, जो यहां पे एक वाटरफॉल है धनबाद में, वहीं पर हम लोग आज आए हुए हैं और आप लोगों को खूब सारा एक्सप्लोर करने वाला है, खूब सारा मस्ती करने वाला है। फिलहाल जस्ट अभी खड़े हैं यहां पे और देख सकते हैं यहां पे नज़ारा काफ़ी, जो पीछे अभी अच्छा नज़ारा है और थोड़ा गाँव देहात टाइप है लेकिन अच्छा है, ठीक है। चलिए और आगे भी जानकारी देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है कुछ भटिंडा फॉल का एंट्री गेट, देख सकते हैं यहाँ से हम लोग को एंट्री करना है। और सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लिखा हुआ ऊपर में विनोद बिहारी महतो पार्क, एक पार्क भी है। और ये जो भटिंडा फॉल है वो एक गांव में है, मतलब धनबाद के एक गांव में है जिसका नाम है टेंटगाबाद, भटिंडा फॉल देखिए ऊपर में लिखा हुआ है। तो अभी चलेंगे अंदर की ओर और आपको पूरा भटिंडा फॉल जो फॉल है वो आपको पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं, घूमने वाले हैं और आगे चलिए और कुछ कुछ भी बताते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट पे दोनों है पार्किंग एरिया, आप अगर गाड़ी लेके आते हैं 2 व्हीलर या 4 व्हीलर आप यहाँ पे कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है, सारा सुविधा लगा हुआ है यहाँ पे, आप सुविधा दिया गया, आप आराम से यहाँ पे गाड़ी उड़ी पार्क कर सकते हैं, इधर 4 व्हीलर 2 व्हीलर इधर भी आप 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी गाड़ी पार्क किया हुआ है और इसमें से हमारा भी गाड़ी है, 2 गाड़ी देख सकते हैं और ये कुछ पार्क में आए हैं दोस्त लोग घूमने के लिए और ये रहा हमारा गाड़ी, 2 गाड़ी पार्क कर चुके हैं और पार्किंग आपका जो चार्जेस है वो 20 रुपीज़, आप 20 रुपीज़ पे कीजिए और यहाँ पे गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हैं, गाड़ी आपका सेफ रहेगा, पार्क करके रखिएगा तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा चोरी वोरी करने का। तो फिलहाल चलिए अभी आगे की ओर लेकर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये हमको काफ़ी यूनिक लगा अब तक का, मतलब हम जहाँ तक भी गाड़ी पार्क किए हैं, मतलब ये पहला हमको लगा कि इस टाइप का बिल निकल रहा, देख सकते हैं तो पहले तो चिपका दिया जाता था गाड़ी में, तो ये तो कुछ यूनिक लगा, चलिए बढ़िया लगा, अच्छा देख के लगा। तो हम लोग धीरे धीरे अभी भटिंडा फॉल को तरफ बढ़ रहे हैं और जस्ट देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा, मतलब
देखिए यहाँ पे नाव लगा हुआ है, यहाँ पे बच्चों लोगों के लिए अट्रैक्टिव चीज़ है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल भी लगे हुए हैं लेडीज़ आइटम के लिए। यहाँ पे आप लेडीज़ आइटम भी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। और यहाँ पे बच्चों लोगों के लिए खास करके जो पार्क छोटा मोटा बनाया गया है ना, वो बच्चों लोगों के लिए, ताकि अट्रैक्ट करें और बच्चे लोग इस पर घूमें, अच्छा लगे। देखिए वहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लोग वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं बच्चे लोग। और अभी कुछ दुकानें जो है वो खुली रही है। और सब फ्रेंड्स आप लोग को बता दें कि ये जो एक पर्यटकल स्थल है, मतलब पिकनिक के लिए, और अभी माहौल भी उसी तरह टाइप का है, मतलब जनवरी जो सभी लोग पिकनिक बनाने के लिए जाते हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे पिकनिक बनाने के लिए आए हुए हैं। अभी चलेंगे अंदर और अंदर पता चलेगा हम लोगों को कितना भीड़ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू भटिंडा फॉल, और देख सकते हैं दोनों तरफ एकदम दुकान लगी हुई है। यहाँ पे सबसे पहले चश्मा दुकान है, और यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे स्टॉल है जो आप आराम से थक गए आराम से यहाँ पे बैठ के खा पी सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं इस मोमेंट को। और इधर भी कुछ है, देख सकते हैं काफ़ी बच्चे लोग, छोटा मोटा पार्क है जो काफ़ी बच्चे लोग इंजॉय कर रहे हैं इस पार्क में। और इधर भी कुछ नज़ारा है खाने पीने का आइटम। तो चलिए ये कुछ है, अभी अंदर की ओर लेकर चलते हैं। फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा जो फॉल है ना वो नीचे, तो हम लोग धीरे धीरे नीचे की ओर चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं टैटू वटू भी बनता है, अगर आपको टैटू वटू अपने बॉडी पर बनाना तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई हैं, अधिकतर यहाँ पर खाने के ही सामान, मतलब दुकान सारी लगी हुई है। और काफ़ी ज़्यादा जो भीड़ है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, और काफ़ी लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। तो चलिए तो फ्रेंड्स अभी धीरे धीरे हम लोग नीचे की ओर उतर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लोग पिकनिक बना रहे हैं, और वहाँ पे कुछ लोग बैठने के लिए आराम से थक उक गए होंगे घूम के, तो आराम से बैठने वाला बनाया कि आराम से बैठिए। देख सकते हैं भीड़ जो है धीरे धीरे और बढ़ते जा रहा है, और काफ़ी क्राउड है। और वो रहा वाटरफॉल, अभी जस्ट हम लोग सामने आप लोग को लेकर चलते हैं और आपको पूरा वाटरफॉल घुमाते हैं। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से व्यू, इसको बोलते हैं ना जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, काफ़ी मस्त नज़ारा है यहाँ से देखने के लिए लग रहा है, देख सकते हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट करवा रहे हैं, काफ़ी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तो हम भी सोचे हैं चलो वहाँ पे चलते हैं और फ़ोटो खिंचवाते हैं। और सो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा क्या बोलते हैं अपना ध्यान रख के ही फ़ोटो खिंचवाएँ, ताकि ये डेंजर जगह है, देख सकते हैं जगह देख के भी वैसा लग रहा है, इसलिए अपना ध्यान रख के ही फ़ोटो वोटो खिंचवाएँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, और यहाँ पे जगह है जिसमें यहाँ पे भी काफ़ी लोग पिकनिक बना रहे हैं, और यहाँ से नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है देख सकते हैं। और यहाँ पे जो फ्रेंड्स भीड़ है ना धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपको जब बताया ना कि सात खटीला वो है ऊपर, और ऊपर जाने का परमिशन नहीं दिया जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब गहरा है, इसीलिए वहाँ पर नहीं जाने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो रील्स बनाने के लिए अभी जो इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग चल रहा है वो राउंडिंग वाला कैमरा देख सकते हैं, वहाँ पे कैमरा फिट कीजिए और मस्त रील्स बनाइए। तो देख सकते हैं ये लोकेशन हमको थोड़ा अच्छा लगा, हम लोग चलेंगे वहाँ पे फ़ोटो शूट कराने के लिए, और काफ़ी लोग वहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, तो हम लोग भी जाने वाले हैं। और यहाँ से कुछ लोकेशन अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो भीड़ है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है क्योंकि अभी थोड़ा शाम के टाइम है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है, हम लोग भी चलेंगे उधर। सो फ्रेंड्स हम लोगों को वहाँ जाने के लिए सबसे पहले जूता खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भींज के जाना पड़ेगा, और इसलिए जूता वूता खोल लिए हैं और जूता हाथ में ले लिए हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो फ्रेंड्स जो आपको बताए थे ना वो सात खटीला वाला
देखिए वहाँ पे जो दिया हुआ ना बांस वहीं पे है वो गड्ढा डो, और एक गड्ढा यहाँ पे है, और हम लोग जस्ट पहुँच चुके हैं पूरा एकदम ऊपर का चोटी में, जिसको बोलते हैं ना सबसे ऊंचाई में चढ़ जाना, सबसे ऊंचाई में चढ़ गए हैं। देख सकते हैं हम लोग यहाँ हैं, और यहाँ से जो पानी गिर रहा पूरा देख सकते हैं, यहाँ से देखिए नज़ारा। थोड़ा धूप है ना इसीलिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, बट कोशिश करेंगे वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाने का। देख सकते हैं तो फ्रेंड्स देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे आके एंजॉय कर रहे हैं, और हम लोग भी जस्ट एंजॉय कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है भटिंडा फॉल घूम के। तो आप लोग को भी अगर घूमने आना हो तो अभी आप लोग घूमने के लिए आ सकते हैं, और पिकनिक बनाने के लिए भी आना हो तो पिकनिक बनाने के लिए भी आप लोग आ सकते हैं आराम से, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर आपको, काफ़ी अच्छा फॉल है। सो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि इस तरह की वीडियो हमारे चैनल में आपको मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। तो चलिए।